नमस्कार दोस्त, आज हम ये एक लोकल टीवी इसका प्रॉब्लम देखेंगे कि इसमें क्या समस्या है। सबसे पहले मैं इसे लाइन में डाल लेता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। और ये देखिए, इसमें एक एच लाइन बन रहा है स्क्रीन के बीचों बीच में, मतलब ये एच लाइन का प्रॉब्लम है। कस्टमर ने बताया कि अचानक से चलते चलते ऐसा हो गया है, तो देखते हैं हम इसी में क्या प्रॉब्लम है। और चलिए मैं इसे खोल लेता हूँ पहले और आपको दिखाता हूँ अंदर क्या क्या उड़ा हुआ है। तो आप ध्यान से देखते रहिए, यह प्रॉब्लम भी आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं अगर ध्यान से देखेंगे तो। वैसे तो यह प्रॉब्लम कई कारणों से होता है टीवी में, लेकिन सबसे पहला कारण इसका आईसी ही माना जाता है और आईसी में जाने वाले वोल्टेज को ही ट्रेस करते हैं। तो हम इसे खोल लेते हैं सबसे पहले, तो उसके पश्चात ही इसके अंदर के सिचुएशन को देखने के बाद पता चलेगा कि इसमें वास्तव में किस चीज़ के कारण ये एच लाइन बना है। और आपने अपना बहुमूल्य समय निकाल कर हमें देखते हैं, इसके लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद। और मैंने ये कवर खोल लिया है, चलिए इसका कवर निकालते हैं। अब ये देखिए, मैंने ये कवर हटा दिया और इसके अंदर का हालत देखिए आप, ये बहुत ही धूल मिट्टी से सना हुआ है और इसमें जाले भी बहुत सारे पड़े हुए हैं। ये फिल्टर कैपेसिटर भी फटा हुआ है, हो सकता है इसके सप्लाई ही सही ना बन रहे हो, देखने से अंदाज़ा यही लगता है। और इसे बाहर करते हुए प्लेट को मैं पहले इसके सफाई कर लेता हूँ, उसके पश्चात इसका जो फिल्टर मेन फिल्टर कैपेसिटर 450 वोल्टेज का लगा रहता है इसमें पावर सप्लाई सेक्शन में, इसी को ही फर्स्ट चेंज करेंगे। तो ये ब्रश के माध्यम से हम इस प्लेट के सभी जालों को निकालेंगे, प्लेट को बाहर निकाल लेते हैं। और क्योंकि प्लेट को साफ करने से ही स्पष्ट हो पाता है कि कोई पार्ट्स तो डैमेज नहीं है, कोई पार्ट्स जला हुआ तो नहीं है, इसलिए प्लेट को साफ करना ज़रूरी हो जाता है। और सबसे पहला काम यही हो जाता है कि किसी भी टीवी को खोलेंगे तो उसकी सफाई करना अनिवार्य हो जाता है, नहीं तो हमें प्रॉब्लम ठीक से कभी समझ में नहीं आता। तो इसे मैं तरीक़ा से साफ करने के बाद में आपको बताया हूँ उस स्थिति में इसका मेन फिल्टर कैपेसिटर ही चेंज करना होगा सबसे पहले। और क्योंकि यह टीवी ऑन स्थिति में है तो आउटपुट में वोल्टेज सही ही होंगे और इसका वोल्टेज हमें मिलान करने के लिए थोड़ा सा समय भी लग सकता है, लेकिन हम सबसे पहले तो इसका फिल्टर कैपेसिटर ही 150 UF 450 वोल्टेज का होता है, 100 UF 450 वोल्टेज का होता है, तो इसमें शायद देखते हैं कौन से नंबर का लगा है। और इस प्रकार के प्रॉब्लम में हमें सबसे पहले ये योक कॉइल को जाने वाला वायर, इसी को भी देखना होता है। कई बार इसके योक को हॉरिजॉन्टल वर्टिकल सप्लाई जाने वाले वायर में ही प्रॉब्लम होते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि इसके जो मेन फिल्टर कैपेसिटर है, अब हम उसी को ही निकाल कर सबसे पहले चेंज करेंगे। ये देख रहे हैं आप, ये जो मेन फिल्टर कैपेसिटर है इसी को निकालते हैं और दूसरा लगाते हैं। तो मैं इसे निकालता हूँ।
इसको निकाल करके पहले कंफर्म करना होता है कि ये कितने UF और कितने वोल्टेज का है, उसी आधार पे हम दूसरा लगाते हैं इसमें। और इसको लगाने के पश्चात ही बाकी के वोल्टेज वगैरह चेक करने के लिए बनता है। तो मैंने डिसोल्डरिंग करते हुए इसका ये फिल्टर कैपेसिटर बाहर निकाल लिया हूँ। आप देख सकते हैं कि ये कितनी ख़राब दशा में फटा हुआ है, और इसका UF देखने से पता चलता है कि ये 100 UF 150 वोल्टेज का था शायद। तो मैं इसके जगह में सेम वोल्टेज का एक फिल्टर कैपेसिटर लगा लेता हूँ, और इसको लगाने के पश्चात आपका ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए इसका वोल्टेज मिलान करके देख लूँगा, और पुनः आपको इसका चित्र ही दिखाऊंगा। मैंने इस पे जैसे ही 450 वोल्टेज वाला फिल्टर कैपेसिटर डाला और इसको चेक करके देखा तो इसके सारे वोल्टेज सभी प्रॉपर तरीक़े से आउट हो रहे थे, और आपका समय का ध्यान रखते हुए भी मैंने इसको ज़्यादा डिटेल में दिखाना नहीं चाहा। तो एकमात्र फिल्टर कैपेसिटर डालने के पश्चात इसका स्क्रीन बनने लगा था। और चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि इसका जो स्क्रीन है वो वास्तव में एक ही फिल्टर कैपेसिटर के कारण एच लाइन में शो हो रहा था। मैंने इसे लाइन में डाल दिया है, आप भी देख लीजिए कि इसमें और कोई भी प्रॉब्लम, किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम मेरे को नज़र नहीं आए। ये देखिए स्क्रीन ऑन हो चुका है। मैं इसमें आपको पिक्चर भी लगा के कंफर्म करा देता हूँ। ये देखिए पिक्चर भी बहुत ही बेहतरीन आ रहा है, इसमें भी किसी भी प्रकार के ख़राबी नहीं है। ये लीड वायर मैं अच्छा तरीक़े से जोड़ लेता हूँ आवाज़ का, और आपको आवाज़ सहित पिक्चर सुना देता हूँ। कभी कभी इस टीवी में बड़ा सा प्रॉब्लम का भी बहुत ही छोटा सा कारण होता है, तो इसीलिए खोलने के बाद में ही पता चलता है। मेरा प्रयास बस इतना रहता है कि आप तक ऐसे छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स बताना होता है। आपने हमारे इस वीडियो को पूरा देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें।